स्क्विड गेम वो दिला दो। मैं अगले महीने तुझे पक्का दिला दूंगी, अभी पैसे नहीं है बेटा। पेट्रोल खरीदने के पैसे तो हैं आपके पास। मैं ही बेवकूफ था जो नानी के दिए हुए सारे पैसे आपके मम्मी के हेज फंड में जमा करा दिए। उसका हिसाब भी दे दिया करो कभी। नानू बहस मत कर, मैं और पापा बाहर जा रहे। चल गेट लगा। बाहर जा रहे हो? मुझे भी साथ लेकर चलो, पीछे से चोर आ गए तो। अगर आप ही गए ना तो वो सब कुछ ले जाएंगे लेकिन तुझे छोड़ जाएंगे। और वैसे भी हम लोग डॉक्टर के पास तक जा रहे हैं, तुझे कल ले चलेंगे। कल किसने देखा है, कल हो ना हो। केबल कटवाना पड़ेगा तेरा। अब मुझे होम अलोन रहना पड़ेगा। कटवाना ही पड़ेगा। नानू ज्यादा टीवी नहीं देखना है, मैं और पापा बस 3-4 घंटे में वापस आ जाएंगे, ठीक है? अरे आज तो साथ ले चलो, आज तो मौका भी है, दस्तूर भी और मौसम भी है सुहाना। अरे भाई ये कौन सी फिल्म है देख रहा है? क्या पता क्या देख रहा है बेटा। हम डॉक्टर के पास तक जा रहे हैं सुई लगवाने, तुझे लगवानी है? चॉइस होगी तो कोई क्यों ही लगवाएगा। हर दिन डॉक्टर के पास जाते हो, इतना बीमार कब हो गए आप दोनों? कहीं आप दोनों ने मुकेश की तरह सिगरेट तो पीनी शुरू कर दी? या फिर अभी आज ही बता दो, कभी एक दिन हमारे घर पर भी एनसीबी की सरप्राइज पार्टी हो जाए। अब ये न्यूज़ भी देखता है तू? बस बेटा गेट लगा ले, दिमाग मत लगा अपना, ठीक है? चल। अरे पर मुझे बताओ तो क्या हुआ है? बाद में बताऊंगी। अब अपनी बीमारी अपने बेटे को नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे? मैं इन्हीं का बेटा हूं ना नानू, इन सब बातों का टाइम नहीं है अपने पास। Desperate time needs desperate measures. English. Focus. शायद पैसे की भी कमी है, तभी तो मम्मी ने मुझे गेम नहीं दिलाया। और मैं कल ही 5 रुपए महंगा कलर चार्ट पेपर खरीद कर लाया, व्हाइट वाला भी तो ला सकता था नानू। अब और नहीं, अब आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। अब इस परिवार को सिर्फ मैं ही बचा सकता हूँ। क्या करूँ? आज से टॉफी खाना बंद। टॉफी के पैसे भी बचेंगे और फ्यूचर में डेंटिस्ट के भी। और चप्पल पहनना भी बंद, कम घिसेंगी, घर में तो पहनूंगा ही नहीं। टीवी देखना नहीं, वो बंद नहीं कर सकते, मेरी वजह से कितने कलाकारों का घर चलता है। पढ़ना लिखना बंद, स्कूल जाना बंद, आज से ही बंद। अब से इन किताब कॉपियों की भी मुझे कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये खर्चा कम हो जाएगा। रद्दी वाले भैया ये लो किताबें, बेचनी है। 5 किलो है। क्या ये बस 5 किलो ही है? अरे स्कूल ले जाते टाइम तो 50 किलो लगती थी। ठीक है जितने पैसे बनते हैं दे दो। अब इन 200 रुपए से मैं खुद का मोमोज का ठेला लगाऊंगा, पापा का इलाज कराऊंगा और मम्मी को 50 तोला की चेन दूंगा। और ऐसे बनूंगा मैं नोएडा का किंग। अच्छी कमाई हो गई, अब इलाज हो जाएगा। हेलो, अरे पिंटू मामा नमस्ते। क्या आज चिंटू का बर्थडे है? अरे वो मम्मी पापा डॉक्टर के पास गए हैं ना, इसलिए मैं नहीं आ पाया। डॉक्टर? अबे वो दोनों तो यहाँ नाच रहे हैं डोजा कैट पर। खाना खाया तूने? खाना? ये दाल रोटी? अरे आज तो मेरे नसीब में केक खाना भी लिखा था। क्यों पापा नाच लिए डोजा कैट पर? और मम्मी आप? Let me be your वुम्मा, वुम्मा हो गया? अरे बच्चे के बारे में भी सोच लेते। पता मैं कितना डर गया था, मुझे लगा आप दोनों सच में बीमार हो। हाय नानू मेरा बच्चा। रोते नहीं है बेटा, मुझे नहीं पता था तू इतना डर जाएगा। हम तो तुझे आज इसलिए नहीं लेकर गए क्योंकि कार्ड पर सिर्फ मेरा और पापा का ही नाम लिखा था। नहीं बेटा रोते नहीं है, चुप हो जा। अरे मैं तो आप दोनों के इलाज के लिए अपनी किडनी बेचने वाला था। नानू तो इतना प्यार करता है हमसे। हाँ बहुत ज्यादा। बताओ मैं आज तक फालतू में ही बोलती रहती थी कि मेरा नानू तो इतना परेशान करता है। अब देखना बेटा मैं हर जगह जा जा के बोलूंगी कि मेरा नानू तो इतना अच्छा बच्चा हो गया है। वो तो अच्छा है, मैंने किडनी नहीं किताबें ही बेची अपनी। तूने अपनी किताबें बेच दी तो और क्या करता नानू? 2 मिनट के लिए तो मेरी बात रख लेता तू। अरे तुझे पता है 4000 रुपए का आया था तेरा कोर्स? 4000? अरे उस रद्दी वाले ने तो मुझे सिर्फ 200 रुपए दिए। तू रुक जरा इधर, मैं तुझे बताती हूँ अभी। नहीं, नहीं, नहीं। आप कहाँ चला गया सारा प्यार आपका? मैं
है? मुझे क्या पता क्या देखता है ये।